देखिए आप फाइनली रणबीर कपूर की एनिमल फिल्म से भी काफी सारे पिक्चर लीक हो गई है शूटिंग सेट से, जो सच में वो काफी बवाल हैं। तो भैया आइए जानते हैं आखिर ये एनिमल फिल्म है क्या चीज। तो जैसे कि आप जानते होंगे इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे संदीप रेड्डी वांगा। जहां तक हम इनकी पिछली फिल्म के बारे में जानते हैं, इन्होंने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसा फिल्म किया है, जो कि कुछ अलग जोनर की नॉर्मल फिल्म थी। और ये दोनों फिल्में अपने अपने इंडस्ट्री में काफी बड़ी हिट साबित हो चुकी है। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा इन दोनों फिल्मों के बाद पूरे 4 साल तक ब्रेक ले लिए थे काम से। और इस ब्रेक में इन्होंने 2 भयंकर फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार कर दिया, पहला एनिमल और दूसरा प्रभास सर की स्प्रिट का। और संदीप रेड्डी के अनुसार इन दोनों फिल्मों में जैसा वायलेंस करने वाले हैं वैसा खून खराबा आज तक इंडिया के किसी भी फिल्म में नहीं हुआ होगा। एक्चुअली में एनिमल एक गैंगस्टर टाइप की कहानी है, जैसे कैसे KGF में माँ वाला कंसेप्ट था, जिसमें अपने रॉकी भाई अपने माँ के लिए पूरी दुनिया जीतने के सफर में निकल चुके हैं। और ठीक इसी प्रकार ही एनिमल में रणबीर कपूर अपने पिता के लिए काफी वायलेंस करने वाले हैं, और इस फिल्म में इनका पिता का रोल अनिल कपूर प्ले कर रहे हैं। देखिए एनिमल का सबसे पहला ये 2 पिक लीक हुआ है, जिसमें अपने रणबीर कपूर कुछ ऐसे लुक में नजर आ रहे हैं, उनके पीछे अनिल कपूर खड़े हुए हैं। और फिर इस पिक के बाद ये पिक्चर आया है फिल्म से, जिसमें रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना के साथ नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, एनिमल में रश्मिका मंदाना ही लीड रोल में कास्ट हुई है रणबीर कपूर के अपोजिट में। और इन सब के बाद ये भयानक पिक्चर आया है एनिमल से, जिसमें अपने रणबीर कपूर का कुछ ऐसा लुक था। खैर ये तो पुरानी पिक है और इसी के ऊपर पोस्टर भी आ चुका है फिल्म का। लेकिन अब लेटेस्ट में ये वीडियो आया है एनिमल से, जिसमें अपने रणबीर कपूर सूट पैंट पहने हुए कुछ बॉडीगार्ड के साथ स्टाइल में चलते हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक यही सबसे अलग चीज है, इससे पता चल रहा है फिल्म कैसी होने वाली है। और अब इनका लुक में भी काफी चेंजेस हुआ है पिछले वाले के मुकाबले। सो अब देखते हैं संदीप रेड्डी वांगा एनिमल को क्या बवाल चीज बनाते हैं और इसका टीजर कब रिलीज करते हैं वो अभी देखना होगा। खैर आपका क्या विचार है एनिमल के बारे में, अपनी राय जरूर देना हमें कमेंट में। और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।